HyperOS थीम जो है अवेलेबल हो गया है MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 डिवाइसेस के साथ। तो अगर आपके पास Redmi एंड Poco का डिवाइस है उसमें अगर आप HyperOS थीम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, या फिर इस वीडियो के दौरान नया टॉप 5 HyperOS थीम को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। एनीवे सभी थीम्स का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को जो है डाउनलोड करना होगा। एंड MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 प्लस HyperOS के साथ भी सभी जो थीम है यहाँ पर काम कट जाएगा। तो वन बाई वन सभी थीम को अप्लाई करते देखते किस तरह से थीम्स के साथ जो है यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो इस थीम को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना जरूरी है। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है सबसे पहले यहाँ पर सरस बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आइकॉन है जैसे कि बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन के साथ भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल गया है। बाकी अगर बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन के साथ भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ब्राइटनेस बार के साथ चेंजेस है, ब्लूटूथ आइकॉन हो जाए, एक्चुअली सभी आइकॉन के साथ जो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कलर के साथ भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आइकॉन की अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर गैलरी, फाइल मैनेजर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, वेदर, सेटिंग्स, रिकॉर्डर, थीम, कैमरा, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी यूनिक नया आइकॉन देखने को मिलता है। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से डायलर के साथ ही यूजर इंटरफेस को ऐड किया गया है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया जो है पर डायलर के साथ यूआई देखने को मिलेगा। डायलर जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, रीडिजाइन यूजर इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। इवन जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली जो सेटिंग्स मेनू है यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर जो है पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ जो है इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के बारे में तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। नेविगेशन बार को ऐड किया गया है। यहाँ पर डबल टैप करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है HyperOS का जो क्लॉक स्टाइल है ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये जो थीम आपको कैसा लगा आप जरूर से कॉमेंट करके बताना। एनीवे बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं, एंड सभी थीम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो सबसे पहले जो है सरस बार के साथ चेंजेस है, यहाँ पर ब्लूटूथ आइकॉन एंड जो म्यूट आइकॉन है बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस थीम के साथ कुछ इस तरह से जो है पर वॉलपेपर देखने को मिलता है। आइकॉन की अगर बात करें काफ़ी डिफरेंट आइकॉन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरा, थीम, रिकॉर्डर, वेदर, सेटिंग्स, कैलकुलेटर, गैलरी, फाइल मैनेजर, सभी जो आइकॉन है कम्प्लीटली बट चेंज हो गया है। पर विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो थीम है आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। एनीवे अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन शॉट एंड स्कैनर का जो आइकॉन है इसमें जो चेंजेस देखने को मिल रहा है। डायलर की अगर बात करें यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से डायलर के साथ भी यहाँ पर यूआई के ऊपर थोड़ा सा जो है चेंजेस देखने को मिलता है। एक्चुअली काफ़ी बढ़िया रीडिजाइन यूआई देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू स्टॉक जो डायलर है। एनीवे बाकी जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है इसके साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है, एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के साथ जो है पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स मेनू भी चेंज हो गया है। नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है इसके साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ चेंजेस है, यहाँ पर जितने भी आइकॉन है कंट्रोल सेंटर के ऊपर सभी के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है। ब्राइटनेस बार, हॉटस्पॉट, बैटरी, लॉक स्क्रीन,
या फिर फ्लैश लाइट, स्क्रीन शॉट, वाई फाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिफरेंट यूआई देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें या पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ एनिमेशन देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया जो है पर एनिमेशन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, जिसमें नोटिस किया है तो कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है। ये जो थीम है आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। एनीवे बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट थीम के बारे में। नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को सिंपली यहाँ पर जो है अप्लाई करते देखते इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सरस बार के बारे में। तो यहाँ पर अगेन बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्लॉक विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, डेट विजेट्स के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल गया है। वॉलपेपर की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, यहाँ पर जो है डायलर, मैसेज, थीम, कैमरा, वेदर, कैलकुलेटर, यहाँ पर फाइल मैनेजर, गैलरी, स्कैनर, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया जो है पर यूआई देखने को मिलता है। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है पर डायलर के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, डायलर पैड जो है चेंज हो गया है कंप्लीटली। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। एक्चुअली थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को रीस्टार्ट करने से जो है एप्लीकेशन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल सकता है यूआई के ऊपर। एनीवे वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, अगेन सेटिंग्स मेनू के साथ आइकॉन की अगर बात करें कुछ इस तरह से आइकॉन को ऐड किया गया है। या पर जो है नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। अगेन जो आइकॉन है वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, उसके साथ चेंजेस देखने को मिलता है। ब्राइटनेस का जो आइकॉन है इसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड नया वाला जो कंट्रोल सेंटर के साथ साथ जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। प्लस कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। अगेन हाइपरवेज का जो लॉक स्क्रीन यूआई ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से हाइपरवेज जैसा क्लॉक स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल टैप करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेलेक्ट कर सकते हो तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा इस थीम के साथ। एनीवे बढ़ते उसके ऊपर नेक्स्ट थीम के तरफ। ये जो थीम है इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सभी जो थीम है रेडमी एंड पोको डिवाइस के साथ जो है पर काम कट जाएगा। तो ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है बैटरी बार के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो क्लॉक विजर्ड है इसके साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आइकॉन कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है आइकॉन भी देखने को मिलता है, जो कि काफी सही है। प्लस यहाँ पर डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर डायल पैड जो है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है। प्लस यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर कुछ इस तरह से आइकॉन को ऐड किया गया है। यहाँ पर नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सभी जो थीम है दोस्तों हाइपरवेस के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, इसलिए कुछ कुछ टाइम जो आपको सिमिलर फीचर्स, सिमिलर आइकॉन देखने को मिल रहा है। तो ये सभी थीम में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया लगे आप जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है पर लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है, पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है पर एनिमेशन जो है अवेलेबल है। यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में टैप करके जो है पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर वेदर वेजर्स का जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है। एंड कुछ इस तरह से जो है यूआई देखने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। एनीवे बढ़ते दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड सभी थीम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। थीम स्टोर से सभी थीम को जो है अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आइकॉन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है। एंड कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू के साथ जो है पर आइकॉन जो है कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलता है। बाकी
MIUI 11 के साथ सिमिलर कंट्रोल सेंटर आइकन को ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली अगर आपको HyperOS ट्राई करना है MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 के साथ, तो आप जो HyperOS थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।